दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 125 मुस्लिम बहुल सीटों का एक बड़ा सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में 125 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ये तय करते हैं कि यहां पर चुनाव कौन जीतेगा, और यहां पर मुस्लिम वोट साधने के लिए जहां एक तरफ पीर ज्यादा जो पश्चिम बंगाल के लोकल नेता वो अलग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, एमआईएम अलग लगी हुई है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अलग से कोशिश कर रही है। तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 125 मुस्लिम बहुल सीटों में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। आगे सर्वे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पर नहीं होना चाहिए, अगर आप भी मेरी इस राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 28% है। देश में मुस्लिम समुदाय की अगर टोटल आबादी की बात करें तो लगभग 14% लोग मुस्लिम हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में दुगना हो जाता है। इससे बताया जा रहा है कि इसे जाना जा सकता है कि यहां मुस्लिम वोटर कितना निर्णायक है, विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं। ये शायद टीएमसी, बीजेपी और एमआईएम के साथ साथ पीरजादा जो अलग अलायंस बना करके चल रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के, इन सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट। यहां की 294 सीटों में से 125 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक रूप लेते हैं। 2016 की अगर विधानसभा की हम बात करें तो यहां पर 125 सीटों में से ममता बनर्जी को 90 सीटों पर जीत मिली थी। यानी अभी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय का समर्थन तृणमूल कांग्रेस के साथ था, लेकिन क्या इस बार भी रहेगा इसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी इस वोट बैंक के कारण संभव हुई थी। आपको पता बता दूं कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने जो 5 सीटें जीती हैं वहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 60% थी, इस वजह से 5 सीटें उनके खाते में गई है। और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का आंकड़ा, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर जो है वो 50% से भी ज्यादा है। तो ऐसे में इन सीटों पर एमआईएम ने भी दांव लगाया है, टीएमसी ने भी दांव लगाया है और लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा की पार्टी ने भी दांव लगाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन सीटों में से आगे क्या होने वाला है, किसके खाते में जो है कितनी सीटें जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बंगाल की 125 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं इनमें से टीएमसी 90 सीटों पर अभी मौजूदा स्थिति में यानी कि जीत हासिल की हुई है, जबकि अन्य के खाते में बची हुई सीटें गई हैं। ठीक है, इस बार यहां पर जो सर्वे किया गया है उसके आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो टीएमसी का वोट परसेंटेज इस सर्वे के मुताबिक 41% यहां पर है। 41% लोगों का मानना है कि यहां पर टीएमसी अपनी सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर 5 सीटें जीत सकती है, जबकि 5% बीजेपी के खाते में यानी कि वोट परसेंटेज जा सकता है। जबकि एमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम के खाते में यहां पर 15% वोट जा सकता है। अगली अगर आप बात करें अदर की यानी कि कांग्रेस, लेफ्ट और अदर की, तो इन लोगों के खाते में भी लगभग 18% वोट जा सकता है 125 सीटों के इस सर्वे के मुताबिक। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें सीट किसको कितनी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले पसंद कौन सा नेता किस यानी किसको कितना है इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर पसंद की बात करें तो ममता बनर्जी के बारे में जब लोगों से पूछा गया कि आप ममता बनर्जी को कितना पसंद करते हैं, तो 55% लोगों ने कहा है कि यहां पर ममता बनर्जी की ही सरकार बननी चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी हमारी पहली पसंद हैं। जबकि पीएम मोदी के बारे में जब यहां पर सवाल किया गया तो पीएम मोदी जो है उनके बारे में लोग 8% ये राय रखते हैं कि वो उनकी पहली पसंद है। अगर बात करते हैं हम यहां पर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो इस बार पहली
बार यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनको 17% लोगों ने पसंद किया, यानी कि ओवैसी यहां पर अपना असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अन्य की, जिसमें कांग्रेस लेफ्ट और पीरजादा, इनको 13% लोगों ने ही यहां पर बताया है कि वो इनकी पहली पसंद है। तो लगभग ओवरऑल अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का यहां पर पलड़ा भारी है, लेकिन वो तो लास्ट में पता चलेगा किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। अब हम सीटों के आंकड़े आपको बताते हैं कि सीटों के आंकड़े से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एमआईएम 1 से 5 सीटें जीत सकती है, एमआईएम के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि अदर यानी कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 10 से 15 सीटें जा सकती हैं। और हम बात करें फाइनली बीजेपी की, कि बीजेपी के खाते में यहां पर कितनी सीटें जाएंगी, तो यहां पर बीजेपी 0 से 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यहां पर किसी तरह का कोई जनाधार दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम टीएमसी की बात करते हैं, टीएमसी को यहां पर 85 से 90 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि पिछली बार का जो आंकड़ा है वो टीएमसी यहां पर दोबारा से दोहराने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी यहां पर सीधे तौर पर 85 से 90 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, यानी कि मुस्लिम वोटर ज्यादातर ममता बनर्जी के फेवर में ही वोट करने जा रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और आपको मैं बता दूं कि अभी अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो जो दूसरे इलाके हैं वहां पर बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना रखी है। बीजेपी का यहां पर भले ही जनाधार ना हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और वहां पर मैक्सिमम सीटों पर वो चुनाव जीत भी सकती है। ताजा जो ओपिनियन पोल है उसमें भी आपने देखा होगा, और जो ओपिनियन पोल आएंगे और जिस तरह से रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर एमआईएम और कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज अपने कैंडिडेट्स मजबूती से नहीं उतारते हैं, तब ममता बनर्जी ये जो 85 से 90 सीटों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये बढ़ करके 100 के पार भी जा सकता है। अब आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है, आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में यहां पर कितनी सीटें जा सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रेडिक्शन जरूर रखिए। और हां, अगर आप बंगाल से हैं तो विकास के मुद्दे पर ही वोट करिए, क्योंकि धार्मिक मुद्दे पार्टियों का उछालना ये काम है और इन मुद्दों से ही ये वोट बटोरने का काम करते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे इसलिए गायब कर दिए गए हैं कि विकास तो इन्होंने किया नहीं है, ठीक है, इसलिए धार्मिक मुद्दे ही एक ऐसी मजबूत इनके हाथ में चीज है जिसको उछाल करके ये वोटर्स को गुमराह करके वोट बटोरते हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे बताइए, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर।